अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम लीना शरीफ। नाज़रीन, कराची के हालात और कराची की जो सियासी दर्ज हरारत है उसमें शिद्दत आती हुई नज़र आ रही है। आपने अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट देखी उसमें वज़ीर आला, नए जो सिंध के वज़ीर आला हैं वो मुंतखब हुए हैं, मुराद अली शाह साहब, 88 वोट्स हासिल करके। और ये चेंज ऑफ गार्ड जो है कराची वालों के लिए कितना और सिंध वालों के लिए कितना खुशाइन रहेगा, क्या नई उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं? सेकेंडली, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अहम सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां जो हाल ही में हमें नज़र आई और कुछ मुबैना एतराफ़ी बयानात हमें नजर खुलम खुला उन्होंने तरदीद भी कर दी और सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत भी की है। उनके वकला की जो पैनल जाके उनसे जब मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि ये मेरे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और अहले कराची इस पर बिल्कुल कान नहीं धरे। साथ साथ ये बड़ा एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए टफ सिनारियो बनता जा रहा है, लेकिन ऐसी हालात में जहाँ पे कराची में ऑपरेशन में ये गिरफ्तारियाँ में एक तरफ नज़र आ रही है और दूसरी तरफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर रॉ के साथ रवाबत होने के जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, ऐसे हालात में डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हम सब जानते हैं साबिक वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर भी रह चुके हैं, आप एक मारूफ और मशहूर टीवी एंकर भी हैं, आप एक सीनियर इस्लामी रिसर्च स्कॉलर भी हैं और ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन डेफिनेटली, लेकिन ऐसे हालात में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में उनकी दोबारा शमूलियत या उनकी पार्टी रुकनियत बहाल होना मुत्तहदा के लिए कराची में क्या एक नई उम्मीद की किरण साबित होगी? आज हमारे साथ वो खुसूसी गुफ्तगू में शामिल हैं और हमारे आई एम वेरी ऑनर्ड बिकॉज ही इज़ टेकिंग द टाइम आउट फॉर अस एंड स्पेशली आउट ऑफ हिज बिजी स्केड्यूल, एंड व्हेन आई से बिजी तो दैट मींस कि उनकी मसरूफियात में अब ज़्यादा इजाफा हो गया होगा डेफिनेटली जब से उन्होंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में दोबारा शमूलियत इख्तियार की है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया से कि जो अल्फाज आपने मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं, मैं बिल्कुल इस लायक नहीं हूँ, ये आपकी मोहब्बत है और आपका प्यार है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं चूँकि हमारे नाज़रीन बड़ी कुछ सवालात हैं आपसे पूछने वाले और वो चाहेंगे कि उस पर क्लैरिटी भी सामने नज़र आए, एक पार्टी जब एक इंसान छोड़ता है तो नेचुरली उनके कुछ रिजर्वेशंस होते होंगे, कुछ इख्तलाफात होते होंगे और एक तवील अरसे के बाद जब वापस से उसी पार्टी में शमूलियत, इवन दो के आपके बड़े बयानात नज़रों के सामने से गुजरे जिसपे आपने कहा कि भाई नवाज शरीफ साहब ने भी आपको दरख्वास्त की थी कि उनकी जमात आप ज्वाइन कर लें, लेकिन आपने फिर भी इतने टफ सिनारियों में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में दोबारा आने का रुख किया, आपकी जो पार्टी रुकनियत बहाल की गई, सर सबसे पहले तो वापसी में इतना अरसा क्यों लग गया? बहुत शुक्रिया, पहले तो मैं वक्त की बात कहूंगा कि वक्त तो वक्त ने निकाला, खैर वक्त ही है मेरे पास, असल तो वक्त आपके पास है जिस पर आप इस वक्त तशरीफ फरमाए, वो भी वक्त ही है। देखिए पहले ये सोचा जाना चाहिए हर बात के बारे में, और जो जैसा कि आपने इरशाद फरमाया कि एक तवील अरसा मुझे लगा वापस आने में, और यकीनन कोई ना कोई इख्तलाफ होता है और नज़रियाती इख्तलाफ होता है जिसकी बुनियाद पर इंसान अलहदगी भी इख्तियार कर लेता है या खामोश होकर बैठ जाता है, आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं, लेकिन असल सवाल आपका ये है कि इतना तवील अरसा क्यों लगा और क्यों इन हालात में मैं आया हूँ। मैं इसको कहता हूँ इंसानी फितरत का तकाजा। देखिए जब आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, और जिस तरह आपने मेरे बारे में जो जिक्र किया मैं इंतहाई वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ और ज़िम्मेदारी के साथ कि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई भी ये इल्ज़ाम साबित हो जाए, यानी जिस पर रॉ के बारे में ख़ासतौर पर कहा जा रहा है, तो आपको आमिर लियाकत हुसैन वहाँ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि रॉ का बदतरीन दुश्मन अगर पाकिस्तान में कोई है तो मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि वो मैं हूँ और वो मैं रहूँगा, इसलिए कि वो मेरे मुल्क की दुश्मन है और जो मेरे मुल्क का दुश्मन इदारा है मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि मैं उसके लिए बहुत सख्त हूँ। लेकिन जब आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मेरा अपना मानना कहना जानना, और मैं तारीख का एक तालिबे इल्म रहा हूँ, इल्ज़ाम साबित कर दें, आप ये चाय की प्याली में तूफान ना उठाएं, आप ये मीडिया ट्रायल ना करें, आप ये इकबाली बयानात के जरिए या कुछ लोगों को लाकर बाकायदा तैयार करा के उनसे स्टेटमेंट्स दिलवाकर या फिर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के या फिर कोई एक ग्रुप बनवा के जो पहले अपने आप को एकदम आते कि ये शख्स हमें कहाँ ले आया यार, ये कहाँ ले आया, उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ग्रुप फैलाता जा रहा है, वो अचानक अपनी एथनिसिटी पर मबनी सोच को छोड़ एकदम पाकिस्तानी वो बन गया कि गोया बाकी कोई भी पाकिस्तानी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब पाकिस्तानी है, कोई इसमें एथनिक ग्रुप नहीं है,
हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सबको पाकिस्तान के लिए पहले सोचना चाहिए, चाहे वो पंजाबी हों, चाहे वो सिंधी हों, मुहाजिर हों, बलोच हों, पख्तून हों, हम सब पाकिस्तानी। तो ये अगर फिक्र आप ये पैदा करेंगे कि गोया मुहाजिर जो है वो पाकिस्तानी नहीं है या वो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहे, और फिर रॉक इल्जाम और फिर मुसलसल एक ही बात कही जाना है एक जमात को, अगर ये इतनी बुरी जमात है, अगर ये इतना इसके अंदर बुराई है, इतनी इसके अंदर गलाजत है बकौल उन लोगों के, तो फिर ये 52 सीटें सूबाई असम्बली की ले लेती है, 25 सीटें कौमी असम्बली की ले लेती है। क्या कराची के लोग माजल्ला पागल है? क्या उनके पास दिमाग नहीं है? क्या उनके पास सोच नहीं है? हालांकि उनको तो मुतबादल क्यादत मिली थी कि इमरान खान साहब जीत लेते सब कुछ, उनको तो अभी मुतबादल क्यादत मिली थी, ये मुस्तफा कमाल साहब उनके पीछे मजमा होता लोग ही लोग होते। आमिर साहब, मैं उनकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता करके आना चाहूंगी, मुस्तफा कमाल साहब की भी उस जमात के हवाले से जरूर आपके कॉमेंट चाहूंगी, लेकिन जो आपने बात की कि एक एक जो तवील अरसे की आप बात कर रहे थे, डिफरेंसेस का अगर मैं आपसे पूछना चाहूं और अगर आप कंफर्टेबल समझे, डिफरेंसेस हुए क्या थे जिसकी वजह से आपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट छोड़ी और उसके बाद जो है, अच्छा कोई बीच में आपके कुछ इस तरह के वैसे बहुत इंटेंस किस्म के बयान नजरों से तो नहीं गुजरे, लेकिन वो डिफरेंसेस थे क्या? और फिर 10 साल बाद जब आप वापस आए तो आपके क्या मुत्तहिदा के कायद से आपकी मुलाकात हुई इस अरसे में या बातचीत हुई? हाँ, ये बहुत अहम सवाल आपने किया है, वैसे तो अभी तक ये किसी ने नहीं किया था, लेकिन अच्छा किया आपने आज पूछ लिया। देखिए, इख्तलाफ बड़ा बुनियादी था और सबके सामने था। उस वक्त की एक राबता कमेटी थी और उस राबता कमेटी की सरबराही करते थे अनीस कायम खानी, और उस राबता कमेटी के अराकीन में होते थे वसीम आफ्ताब, उसमें होते थे शकील उमर, उसमें होते थे मुस्तफ़ा कमाल। तो अब आप पहले तो सिनेरियो समझ लें कि यही ग्रुप था पूरा, और इख्तलाफ ये था कि नामों से रिसालत के मसले पर, या यूं कह लीजिए कि फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट नामों से रिसालत, इस पर एक मेरा अपना नुक्ते नज़र है और वो रहेगा और हमेशा रहेगा, उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, मेरी मौत ही उसको बदल सकती है, इसके अलावा और कोई ताकत नहीं है। तो मैं एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुरमत और नामूस है उस पर मेरा अपना एक मौक़िफ था। उस मौक़िफ के बारे में उस वक्त के जो अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तो आपकी बात बिल्कुल इस तरह से तो नहीं हो सकता, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। क्या मसला हो जाएगा? तुम्हारी पार्टी वाले। अच्छा, उस दौरान मेरा कोई रब्ता लंदन में नहीं था, ना हो सका था, और ये फौरी तौर पर ही सारे काम हो रहे थे। तो मैंने ये सोचा और मुनासिब जाना, और मेरा ख्याल है ये होना भी ऐसे ही चाहिए कि जब आपको आपके इदारे में या सियासी जमात में नहीं समझा जा रहा हो या आपकी पॉलिसी से आप उनकी पॉलिसी पर ना चल रहे हो, तो बेहतर है कि अपने आपको किनारा कशी इख्तियार की जाए। तो मैंने इस्तीफा दे दिया था और वजारत से भी दिया था और कौमी असम्बली की रुकने से भी दिया था। मैं वजीर भी था उस वक्त और रुकने कौमी असम्बली था, हालांकि मुझसे कहा गया था कि आप कौमी असम्बली के रुकन रहे। मैंने कहा नहीं, जब यहाँ ये नहीं है, ये मामला आप लोग नहीं मेरी बात वहां पहुंचा रहे अल्ताफ भाई तक, तो मैं कहा गया ऑन द होल कि डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी, क्योंकि बड़ी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट्स भी आई थी जिसमें हैदर अब्बास रिजवी साहब भी होते थे आगे आगे, तो डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी जो है वो कहा जाता था। अब आपकी मुलाकात अल्ताफ हुसैन साहब से हुई है? मैं वही बता रहा हूँ, वही कहानी सुना रहा था आपको। तो उसके बाद फिर ये, अच्छा, हैरत अंगेज बात ये थी कि इस मुअत्तली पर या इस इखराज पर अल्ताफ भाई की तरफ से कोई तौसीख नहीं की गई थी, और ये राबता कमेटी का फैसला था और ये नेट पर, एमकेएम के नेट पर बहुत अरसे तक रहा और उस पर कोई उनकी तौसीख नहीं थी। उसके बाद मेरी कोई अल्ताफ भाई से बात नहीं हुई। मेरी अल्ताफ भाई से आखिरी बार बात हुई थी जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था 2009 में, तो उन्होंने मुझे टेलीफोन करके ताज़ियत की थी और बहुत अच्छे कलेमात मेरे वालिद मुख्तरम के लिए उन्होंने अदा किए थे, जो कि वो हमेशा करते हैं, और उन्होंने उनका बहुत ख्याल भी रखा था, और वो चूंकि एमकेएम के डिप्टी कन्वीनर भी रह चुके थे, और उसके बाद में मेरी उनसे कोई बात नहीं। बट सर, अभी आपको वापस लेकर आने में किसने अहम किरदार अदा किया अगर आप पूछें? जी, मैं अभी वही बता, इस दौरान जब ये सब कुछ हुआ तब भी मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। अब मेरी उनसे यकीनन बातें होती हैं, बहुत होती हैं, लेकिन जब मैंने एमकेएम के लिए बोलना शुरू किया था तब भी मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई थी, और बहुत आगे तक जाकर भी कोई बात नहीं हुई थी। मुझे लाने में किसी ने कोई किरदार अदा नहीं किया, ना मेरे जमीर ने कोई किरदार अदा किया, ना मेरा जमीर जा रहा है कोई 10 साल बाद, ना ही मैं मुझ पर किसी ने काम किया है, ना मुझे कोई बैग वैग ला के किसी ने दिया है, ना मैं किसी खयाबान में रहता हूँ, ना मुझे कोई बंगला वंगला दिया गया है, ना मेरा कोई ग्रुप बनाया जा रहा है। मैंने ये सोचा और मैंने ये समझा और मैंने ये जाना कि एक फिर टफ टाइम आया है, बुरा वक्त आया है, और बुरे वक्त में दो ही लोग पहचाने जाते हैं, एक बुरे वक्त में साथ देने वाला और एक बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाला। सर, एमक्यूएम में अब आप कौन सी पोस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जी, एमक्यूएम में पोस्ट की कोई अहमियत नहीं होती। की जो गिरफ्तारी हुई उस हवाले से और जो एक मुबैना इतराफी बयान सामने आया, मीडिया पे सर्कुलेट हुआ, उसके बाद उन्होंने उसकी शदीद मजम्मत भी की और उन्होंने इनकार किया कि मैंने कोई इस किस्म का बयान नहीं दिया है और ये एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मेरे खिलाफ, क्या कहेंगे सर? कौन है जो ये साजिश कर रहे हैं एमक्यूएम के खिलाफ और इस तरह से वसीम अख्तर साहब के इर्द गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है?
देखिए वसीम अख्तर साहब ने अपना एक स्टेटमेंट वोकला के पैनल को दिया है जो उसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि वो वोकला का एक बहुत बड़ा पैनल है उनका और उसने वो स्टेटमेंट अखबारात को भी जारी किया है क्योंकि उनसे अभी तक किसी की रसाई नहीं है कि वो गुफ्तगू कर सके। हाँ ये अलग बात है कि उनके साथ जो लोग पकड़े गए हैं उनको हॉस्पिटल बड़े जबरदस्त किस्म के दिए गए हैं, उनको बिस्तर बहुत शानदार दिए गए हैं, किचन भी है और वहां पर उनके लिए टेलीविजन का इंतजाम भी है, मोबाइल सेलफोन भी है, लोग भी किसी वक्त भी आके उसे मिल सकते हैं जिनका नाम अनीस आयफानी साहब है। तो वो भारत अस्पताल में अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, हालांकि मुझे बहुत बहुत जबरदस्त किस्म के आदमी थे, लेकिन वसीम अख्तर साहब के साथ दूसरा सलूक किया जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है? देखिए एक एलिमेंट होता है हमेशा हर दौर में होता है, हो सकता है आप भी मेरे बारे में एक मुख्तलिफ राय रखती हूँ, मैं भी आपके बारे में मुख्तलिफ राय रखता हूँ, लेकिन ये राय कायम करने में या तो हम दोनों होंगे या फिर कोई एक तीसरा होगा जो राय कायम करवाएगा, ये बताएगा कि ये ऐसा है और आप ऐसे हैं। इसी तरह एक और एलिमेंट होता है पाकिस्तान की सियासत में जिसे हम तीसरा एलिमेंट कहते हैं, वो एलिमेंट होता है जो कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई अमन अमान जैसी सूरत हाल पैदा हो और उसमें जमहूरी इदारे या जमहूरी कुवतें परवान चढ़ें और डेमोक्रेटिक फोर्सेज जो है वो पावर शेयर करें और पाकिस्तान में जमहूरियत की यूं समझ लीजिए कि हुक्मरानी हो। वो थर्ड एलिमेंट ऐसा होता है जो इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करता है, जो बदमनी जो एक ही तरह तवज्जो दिला दे, अब 12 मई में पूरी कौम को 12 मई में दोबारा लगा दिया, अब सब 12 मई में लग गए, अरे भाई 9 साल तक क्यों नहीं तहकीकात की 12 मई की? उस चीफ जस्टिस ने जिसका नाम इफ्तिखार चौधरी था जिसको रोका गया, उसने क्यों नहीं की अपने पूरे टेन्योर में 12 मई की तहकीकात? उसके बाद आने वाले लोगों ने क्यों नहीं की? पूरे दौर में क्यों खामोशी तारी रही? अब सारी कौम उलझी गई 12 मई के अंदर, चलो इसमें लगा दो ताकि सब लोग इसमें उलझ रहे, फिर कुछ दिनों तक पैनामा लीक्स में लगा दो, चलो इसमें उलझ रहे, अभी कोई और निकालेंगे धरने वाला निकलेगा सिलसिला साथ, चलो इसमें उलझ रहे, इस तरह टाइम गुजरता रहेगा। तो ये एक थर्ड एलिमेंट होता है, एक तीसरी फोर्स होती है जो कौम को हमेशा उलझा के रखती है। जब वो बात की जाती है कि सड़कों को ब्लॉक उस दिन किसने किया या किसने वहां कंटेनर्स लगाए या 500 हाईकोर्ट के वकला को जो है वो किसने मैसूर किया उनका या उनको जो है चारों तरफ से किस जमात के कारकुनों ने घेरा, उस पर क्या कहेंगे? उस पर मैं ये कह रहा हूं, मैं तो आपको जवाब दे रहा हूं, मैं तो आपसे खुलकर कह रहा हूं कि जिसने भी ये किया जो भी इस अमल में मुलव्वस था उसके ऊपर उंगली उठाने से पहले या उसको पकड़ने से पहले हम सबको एक सवाल का जवाब चाहिए और हम सबके पास होना चाहिए। मैं कुछ थोड़ा सा आपको तारीख में लेकर जाके इसका जवाब देता हूँ। लाल मस्जिद पर जब वहां पर एक ऑपरेशन हुआ था तो मैं उस वक्त वजीर, उसके मैं 2-3 दिन बाद में इस्तीफा दे दिया था मैंने, तो मैंने वहां पहला सवाल ये किया था कि मैं लाल मस्जिद की फिलोसफी से बिल्कुल भी मुतासर नहीं हूँ और ना मैं उनकी फिलोसफी को मानता हूँ, एक जहालत पर मबनी बात करते हैं वो लोग। मैंने ये बात कही थी कि इसको छोड़ दीजिए ऑपरेशन करें या ना करें, ये बताइए आपको ये पता है कि लाल मस्जिद में असला है मगर ये आ कैसे गया उसमें, ये वहां पहुंच कैसे गया, चेक पोस्टों से गुजर कैसे गया, अंदर कैसे चले गए लोग असले के, असल मुजरिम वो है जिसने असला पहुंचा दिया। अब मैं यहां पर आ जाता हूं 12 मई पे, 12 मई पर जिसने भी किया जो भी है वो तो उसको तो कैफर किरदार तक अगर अदालतों ने नहीं पहुंचाया तो मेरा ईमान है अल्लाह ताला की पकड़ बहुत शदीद है और बेगुनाहों का लहू जरूर रंग लाएगा और वो कोई भी फोर्सेस बच नहीं पाएंगी, ये मेरा ईमान है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब 12 मई को कत्ल गारत हो रही थी तो ये फौज, ये रेंजर्स, ये इदारे, ये पुलिस, ये सब लोग क्या उस दिन लेक्सोटेरॉल की गोलियां खाकर या डाइमाइक्रोन डॉर्मिकम खाकर या नींद की सब वेरियम वगैरह खाकर सो गए थे? सारी फोर्सेस चुपचाप तमाशा देख रही थी जिनके पास ज्यादा असला था और अगर 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 एक जमात ये सब कर रही थी तो इतनी ताकतवर थी, वो इतनी ताकतवर थी कि ये सारे रेंजर्स पुलिस फौज, क्योंकि उस वक्त तो फौज एमक्यूएम के साथ थी तो फिर इसका मतलब फौज ने करवाया, उस वक्त तो आईएसआई एमक्यूएम के साथ थी। बस ये जो वसीम अख्तर साहब का जो एक मुबैना वो जो एतराफी बयान था और टीवी पे भी एक शो के दौरान मलिक अल्ताफ साहब ने ये कहा कि जी ये बयान है और क्योंकि ये पुलिस की रिपोर्ट है, JIT की रिपोर्ट है, आप उससे बिल्कुल इनकारी हैं? नहीं, मैं इनकारी नहीं हूँ, मैं सब जुडिस मामले पर बात करने का कोई हक नहीं रखता हूँ, ये अदालत फैसला करेगी, मैं कौन होता हूँ इनकार करने वाला, ना मैंने किया ना मेरा वो स्टेटमेंट है। अदालत में वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं मैंने दिया नहीं है, अदालत जाने और वसीम अख्तर साहब मलिक अल्ताफ साहब वो स्कोटेड एट सेइंग के हमारे पास अभी बड़ा मवाद है, मलिक अल्ताफ साहब माज अल्लाह रजी अल्लाह ताला अनु है, मलिक अल्ताफ साहब माज अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह है, मलिक अल्ताफ साहब माज अल्लाह के सादिक और अमीन है, सुन लेना मेरी बात, सुन लीजिए ना, अगर वो इतने सच्चे हैं तो फिर आप उनकी बात मान लें, मैं तो अदालत की बात मानूंगा ना जो अदालत कहेगी, मैं तो आई बिलीव इन माई कोर्ट्स, कहते रहो ना, अगर वो आ जाती है, ये सब अगर है ना, अगर पे बात नहीं होती बहन,
अगर जो है ना, अगर इफ देन स्टेटमेंट जो है ना वो चलती है सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में, क्योंकि उसमें हमें फॉर्मूले बनाने होते हैं. प्रैक्टिकल लाइफ में इफ देन स्टेटमेंट हाइपोथेटिकली, अगर कोई वीडियो सामने आ जाती है तो फिर क्या होगा, डिसओन कर दिया जाएगा सौलत मिर्जा की, जिस तरह एक कन्फेशन. मुझे नहीं पता कि कोई वीडियो बनी है, और अगर आती है सामने तो ये अदालत का काम है कि वो उस वीडियो के बारे में फैसला दे. आमिर लियाकत हुसैन भी जज नहीं है, और मेरी प्यारी बहन जो मुझसे इंटरव्यू कर रही है वो भी जज नहीं है. चले अब इस मामले पे आते हैं कि गवर्नर सिंध पर आपने चूंकि इल्जाम और एक पूरा कॉलम लिख डाला सर एंटरटेनर के नाम से, आपने कहा कि जी मेरी लाइफ को थ्रेट्स हैं, और जो आपकी गाड़ी उठाई गई है सीपीएलसी की ने जो गाड़ी आपकी उठा ली है, आपने कहा कि जी इसका पूरा इल्जाम आपने गवर्नर सिंध पे डाल दिया. व्हाई वुड सर, व्हाई मतलब डिड यू ब्लेम द गवर्नर एंड व्हाई वुड यू पुट योर लाइफ अंडर थ्रेट? देखिए गवर्नर सिंह, अच्छी बात की वैसे आपने, आपके पिछले सवाल से भी इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है. अगर आप चाहें तो, अगर आप आपका अपना माइंड है और आप समझती हैं कि आप जो मैं जवाब दूं उसका, अगर समझना चाहें तो मैं जरूर बता दूं कि ये जो 12 मई का वाकया था ना, उसमें ये शख्स भी था, इसका नाम इशरतुल्लाह है, गवर्नर सिंह है, क्योंकि 14 साल से ये आदमी है मौजूद, तो इस शख्स को तो भी बहुत कुछ पता होगा ना. तो शामिल तफ्तीश तो फिर इन्हें भी करना चाहिए, क्योंकि ये तो गवर्नर थे और अभी भी गवर्नर है, तो पूछना तो ऐसे भी चाहिए. लेकिन आज तक मीडिया ने ये सवाल नहीं उठाया कि इशरतुल्लाह से सवाल किया जाए कि 12 मई को क्या हुआ था कराची में, आज तक नहीं उठाया. मुझे बहुत दुख और बहुत अफसोस है कि एमकेएम से तो जरूर सवाल किए जाते हैं, लेकिन ये एमकेएम के तो गवर्नर थे ना, तो इनको तो पता होगा, और अब तो एमकेएम में है भी नहीं, तो सच बोलेंगे, सच बोलना चाहिए इनको, तो ये बोल रहे हैं सच, क्यों नहीं बोल रहे. तो एक तो पहली बात ये एंटरटेनर, ये मैंने इनको इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही आमियाना और घटिया लैंग्वेज में इनके तर्जुमान ने बयान जारी किया, जिसमें इन्होंने मुझे एंटरटेनर कहा था, तो फिर मैंने इनको इनका याद दिलाने की कोशिश की कि एक्चुअली एंटरटेनर वो होता है जो गिटार बजा सकता है. बट सर आपने भी जो अल्फाज का इस्तेमाल किया, मतलब मुझे हैरत हुई वो कॉलम पढ़ के भी आपका, जिसमें आपने कहा कि जी वो लोग जो जरूरत के वक्त जरूरतमंद बन जाते हैं, जरूरत खत्म हो जाए तो गैरतमंद कहलाने पर इसरार करते हैं, उसके बाद आपने दोहरे मरासम, आपने आयत का जिक्र करें और हम कहते तुम नमाज के पास मत जाओ तो मसला हो जाएगा, क्योंकि वो लिखा होता है आगे की शराब की या नशे की आदत में मत जाओ. चलिए लेकिन मैं पूछना जरूरतमंद था गैरतमंद था, लेकिन उसमें यह था एहसान मंद कभी नहीं होते, तो इसलिए ये और ये जुमला इसलिए कहा गया था कि इनको ये मोहसिन कुछ किस्म के इंसान है, इनको कुछ एहसानात लोगों के याद नहीं रहे हैं, इनको याद दिलाना बहुत जरूरी है, और मैं नहीं चाहता कि मैं इनको याद दिलाऊं और आज भी याद दिलाऊं, लेकिन अभी कभी वक्त पड़ा और कभी जरूरत महसूस हुई और इन्होंने फिर कोई इस तरह का स्टेटमेंट दिया तो मैंने मजहबी रिसर्च स्कॉलर, आपकी तो लोगों की दुरुस्तगी, इस्लाम की तालीमात लोगों तक पहुंचाना, बता रहा हूँ इस कॉलम में डॉक्टर साहब, कॉलम में जब आपने उनको ये कहा कि जी वो बची कुची इज्जत को बचाने के लिए जहां दौलत जमा की है वहीं इजाजत लेकर रवाना हो जाएं, या आपने बोला कि जी राजदार भाई बहुत अरसे तक चुप नहीं रहेगा क्योंकि आपने एक जंग छेड़ दी है, आपको क्यों गवर्नर की बहुत तकलीफ हो रही है? नहीं, मेरा कहने का मकसद है आपने कॉलम में ये किया, ये सारी बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे अल्फाज है मेरे, बहुत ही तमीज और तहजीब. मैंने ये नहीं कहा मैं किसी आमिर लियाकत को नहीं जानता, मैंने ये नहीं कहा एंटरटेनर नामी शख्स, मैंने झूठ नहीं बोला कि थाने में गाड़ी बंद नहीं हुई थी, इतना बड़ा झूठ नहीं बोला मैंने कि जज कह रही है सुबह, जज कह रही है, बरहमी का इजहार कर रही है जज, हमारी जस्टिस दूरे शाहवार, वो बरहमी का इजहार कर रही है कि क्यों ये सब कुछ किया गया उस आदमी के साथ जिसकी जान खतरे में है, जिसके पीछे तालिबान और दाइश लगे हुए हैं, और वो शख्स कह रहा है, एक मिनट रुक जाए ना, एक मिनट, आप चुके गवर्नर सिंह की बहुत प्यारी वकील बन गई है, अगर आप इसको नहीं, लैंग्वेज में क्या बुराई है बताए ना, आप मुझे समझाए क्या बुराई है? मैंने तो कहा कि ये धमकी जरा थोड़ा उस तरह का हिस्से को काटिएगा मत, अगर आपकी रिकॉर्ड में आपने साइड लिए मेरी बात सुने, या तो आप बोल लें या मैं आपका मेहमान हूं, अगर आपने खुद ही सवाल जवाब देने तो आप खुद कर लें खुद जवाब दे दें. अच्छा आप कंप्लीट करें.
नहीं आप प्लीज आप करें, थैंक यू। डॉक्टर मैं नहीं चाहूंगी कि आपको आपको हम नाराज करें, मैं बिल्कुल चाहूंगी आप खुद ही सवाल करें, बुनियादी सवाल ये था सर आपसे। नहीं मैं बुनियादी बात ही नहीं कर रहा, आप खुद सवाल कर रही हैं, खुद जवाब दे रही हैं। आपने किसी को देखिए, मैं आप मुझसे मेरी बात सुनिए, मैं एक आखिरी जुमला आपसे कहना चाहूंगा, उसके बाद प्रोग्राम बंद करना चाहे कर दें। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपसे बहुत ज्यादा सीनियर हूँ सहाफत में भी और एंकरिंग के अंदर, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप किसी को बुलाते हैं ना तो उसका मौकिफ सुने। अगर आपको अपने मौकिफ ज्यादा पेश कर देना तो आईने के सामने खड़ो के खुद बातें कर लिया कीजिए। पहले अगर आप मुझसे सवाल कर रही हैं तो आपको सवाल करना चाहिए था मुझसे, आप बराबर मुसलसल किया जा रही है ये लैंग्वेज ये लैंग्वेज ये लैंग्वेज। जितनी अच्छी लैंग्वेज मेरी होती है ना लिखने में पढ़ने में और बोलने में, अल्लाह माफ करे जिस तरह के स्टेटमेंट उनका था तो वो भी साथ पढ़ाया आपको फर्ज बनता है क्या? वो पूरा साथ पढ़ाया गवर्नर का मनसब होता है, एक गवर्नर का मनसब होता है और एक आम इंसान का मनसब होता है, उसमें इंसान को पुरसुकून भी रहना चाहिए और लिखी हुई बात की ज्यादा अहमियत होती है बनिस्बत कहीं भी बात की। लेकिन जब वो गवर्नर हाउस के तर्जुमान की तरफ से जब वो स्टेटमेंट लिखा जाता है, जब एक लाइन लिखी जाती है तो उसके अंदर तासुब नहीं होना चाहिए, उसके अंदर गुरूर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर तकब्बुर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अपने आप को बदमाश समझ कर स्टेटमेंट जारी नहीं करना चाहिए। तो जब ऐसा स्टेटमेंट जारी होगा तो उसी तरह जवाब दिया जाएगा, लेकिन तब भी हमारी लैंग्वेज के अंदर या हमारी जबान के अंदर आमियानापन नहीं था, घटियापन नहीं था। हमने ये नहीं कहा कि हम किसी शेर के लिबास को नहीं जानते, या हमने ये नहीं कहा कि इनके दामन पर और कितने छींटे, हमने बहुत सारे छींटे बयान नहीं किए, हमने तो रैप कर कर बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन आप चूंकि वन साइडेड हुई हैं, नहीं सर बिल्कुल, आप ये तो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं वन साइडेड हूं, बिल्कुल वन साइडेड नहीं हूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, आपने भी चूंकि बहुत जल्दी जवाब इस चीज का दिया भी कॉलम के जरिए दिया, लेकिन मैं अभी तक आपको मैं हैरान हूं, मैं हैरान हूं आप जैसी खातून, मैं हैरान हूं कि आपको ये नहीं नजर आता कि एक शख्स 14 साल से गवर्नर बैठा हुआ है, आपको जो है और लोग तो नजर आ जाते हैं कि यूं क्यों मुसल्लत है फला की मुसल्लत है, लेकिन एक शख्स 14 साल से गवर्नर है, क्यों नहीं उनको हटाया जा रहा है? मैं आपसे सवाल करता हूं, हटाने में क्या कमाई है? आप इस पे सवाल उठाए ना, जाए गवर्नर हाउस में पूछे कि आपको कौन सी कुव्वत की आशीर्वाद हासिल है कि आप छठे वजीर आला से हलफ ले रहे हैं और आपको नहीं हटा सका कोई, कौन है? उनकी भी एमक्यू में वाबस्तगी रही है डॉक्टर साहब, विद ऑल रिस्पेक्ट, आप रही थी बिल्कुल, लेकिन आपको भी फिर चूंकि पता होगा ना, मतलब मुझे नहीं पता ना, मैं मुझे उनके बारे में कुछ पता है ना, मैं जब पता जानना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ ये मीडिया पर हैरान हूँ कि वो आज तक ये सवाल नहीं उठाते हैं कि इतना अरसा तो हिटलर नहीं रहा, इतना हिटलर जल्दी छोड़िए बाहर की मिसाल है, ज़ियाउल्लाह साहब नहीं रहे 10 साल तक रहे, मुशर्रफ साहब 9 साल तक रहे, ये तो डिक्टेटर गवर्नर है, तो डिक्टेटर गवर्नर की तो क्या वैसे भी हिमायत नहीं करनी चाहिए किसी को। और जो शख्स पता नहीं किसके कांधे पर सवार है, कैसे बैठा हुआ है, किस तरह से रूल कर रहा है, 8 साल बाद वजीर आला चेंज हो गए, गवर्नर साहब 14 साल से चेंज नहीं हुए और ना होते दिखाई दे रहे, नहीं देखिए नहीं अब तो होना चाहिए उनको, होते दिखाई दे तो नहीं रहे मुझे, लेकिन जिस तरह उन्होंने मेरी गाड़ी बंद कराई है, और चूंकि देखिए मेरा मामला जरा सीरियस है बहन, आपको समझना होगा, मैं मेरे पास ना गार्ड्स हैं ना पुलिस है, और मुझे तालिबान की तरफ से बड़े सीरियस थ्रेट्स हैं, और ये टेलीविजन पर आ चुके हैं, जो कि लेटर खुफिया था वजारत दाखिला का था, और ये टीवी पर नहीं आना चाहिए था, ये आ चुका है, तो मेरे पीछे तालिबान है दाइश है, मैं खुलकर इनको उनको खवारिज कहता हूँ, तो मेरी जिंदगी बहुत खतरे में है, उसके बावजूद मेरी दरख्वास्तों के बावजूद मेरे बाकायदा मैंने उनको दरख्वास्त की, ये सिर्फ मैंने इत्तेमाम हुज्जत के लिए की थी, वरना अल्लाह ताला जिंदगी मौत का मालिक है और मुझे बिलीव है मेरे रब पर, मैंने दरख्वास्त दी, इन्होंने मुझे सिक्योरिटी नहीं दी, उसके बाद मेरी अपनी जो बुलेट प्रूफ कार है चलिए आपने बंद कर दी, आप उसकी वीडियो बना के दुनिया को दिखा रहे हैं, आप मेरी गाड़ी का नंबर दिखा रहे हैं लोगों को, व्हाट इज दिस, ये क्या चाहते हैं आप, ये क्यों दिखाई आपने, ये किस लिए, ये आपको बुरा नहीं लगा, ये किसी को तकलीफ नहीं हुई कि एक आदमी के साथ इतनी ज्यादती कि उसकी गाड़ी का नंबर आप पूरी दुनिया को दिखा दे ताकि अटैक करने में आसानी हो उस पर, और ये सब गवर्नर सिंह ने कराया, सीपीएलसी ने ये गाड़ी उठाई है, वहां पे बताया गया बकायदा, जस्टिस के सामने खड़े होकर एतराफ किया लोगों ने, और उसके बाद चुप हो गए, जाहिर है कि पुलिस वाले बेचारे परेशान हो गए वो, क्योंकि वो गवर्नर के खिलाफ क्या जाते हो, तो ये सब बातें आप सोचिए थोड़ी देर के लिए। सर जिसका एनओसी आपको वजारत दाखिला से मिला है उसके बाद इस तरह की मूव हुई तो आपको अप्रोच अभी तक नहीं किया गया, मैं मुझे ब्रेक का इशारा दिया जा रहा है, ब्रेक के बाद इसको भी आगे बढ़ाएंगे, और वजीर आला नए वजीर आला मुंतखब हुए हैं मुराद अली शाह साहब सिंध में, उनकी इस अपॉइंटमेंट और अब उनके सर पे जो ये चैलेंजेस हैं वो किस तरह से टैकल करेंगे, और क्या ये मूव जो है ऐसे इतनी क्रूशियल टाइम, मैंने बात की कि एनओसी आपको मिला हुआ था वजारत दाखिला से, उसके बावजूद भी अब तक किसी ने कोई इस चीज़ पे पेशरफ करनी सोची समझी नहीं, नोटिस नहीं लिया इस चीज़ का कि आपको थ्रेट्स हैं और आपको इस तरह से ये वीडियो दिखाई जा रही हैं आपके गाड़ी की नंबर प्लेट की? नहीं जी, किसी ने नोटिस नहीं लिया है, और मुझे अफसोस भी है, दुख भी है, लेकिन एक इत्मीनान भी है कि चूंकि हम मुर्दा परस्त कौम है तो जिस दिन मैं मारा जाऊंगा
उसके बाद मेरा जनाजा बहुत बड़ा होगा, उसमें सब लोग होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे डॉक्टर साहब। और उसके बाद ये कहेंगे कि जी हम हमारा ये सरमाया थे, हमारा ये असासा थे मुल्क का, ये हमारे दरमियान नहीं रहे, इनके कातिलों को छोड़ा नहीं जाएगा, कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा, आईनी हाथों से निंटा जाएगा, कोई दकीका फरो गुजाश नहीं किया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, आइंदा किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। सारे स्टेटमेंट्स आपके यहाँ टिकर की सूरत में भी चलेंगे, तमाम और चैनल पर भी चलेंगे। मुझे मालूम है कि ये सब मेरे जनाजे में शरीक होंगे, लेकिन मुझे मार दिया जाएगा ये भी मुझे पता है। और मैं आपके चैनल पर इसलिए कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड पर रहे कि ये मुझे बहुत जल्द मुझ पर अटैक होगा और मुझे मारने की कोशिश की जाएगी। और जाहिर है कि अब जब दिखा दी गई है गाड़ी और सब कुछ बता दिया गया है, तो अब तो और भी वैसे भी मैं एक सॉफ्ट एक शिकार हूं इसीलिए। सो सर डिलीबरेटली आपके साथ ये आपके खिलाफ ये मूव्स लिए जा रहे हैं। आप खुद सोचिए ना, कोई किसी आपने कभी अपनी जिंदगी में इस अरसे में सुना है आपने कि किसी की गाड़ी की वीडियो बना के चला दी गई हो, दिखाई गई हो? ठीक है, ऐसा क्या था उस गाड़ी में, ये क्या था? मैं अल्लाह प्रोटेक्ट यू ऑलवेज डॉक्टर साहब। और मैं इसी के साथ ही मैं सिंध के हालात की तरफ आना चाहूँगी जो किसी से ढके छुपे नहीं है। कराची के हालात, कराची में अमन का क़याम और जो वो कुव्वतें एकदम से एक्टिव हुई हैं और सिक्योरिटी इदारों को चैलेंज करना जिस तरह से शुरू किया गया है, इन्हीं हालात में सिंध में नए वज़ीर आला को मुंतखब करना, मुराद अली शाह साहब आए हैं, आपको ये डिसीशन किस तरह से देख रहे हैं आप? एक तो ये मुराद अली शाह साहब एक बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। उनके वालिद अब्दुल्ला शाह साहब सिंध के वज़ीर आला रहे और वो के उस जमाने में बहुत एट्रोसिटीज हुई मुहाजिरों पर और एमकेएम पर सिंध में, लेकिन उसके बाद जब मफाहमत शुरू हुई तो मुझे अच्छी तरह याद है, इसलिए मैं मुराद अली शाह साहब की और भी ज्यादा इज्जत करता हूँ कि मुराद अली शाह साहब तशरीफ लाए थे। उसमें मैं एमकेएम में था, 90 तशरीफ लाए थे और उसके बाद या शायद मैं एमकेएम छोड़ चुका था, मुझे याद नहीं है, बट वो उस वक्त आए थे और उन्होंने जाकर शोधा कब्रिस्तान में जो आरिफ हुसैन और नासिर हुसैन अल्ताफ भाई के जो भाई और भतीजे थे उनकी कब्र पे फातिह खान की, तीसरी तरह फिर एमकेएम का वक्त था और वो अब्दुल्ला शाह साहब की कब्र पे गया था उसने फातिह खान की। तो एक बहुत अच्छी बात थी कि हम सब ने पुरानी माजी की चीज़ों को बुलाया। तो एक बहुत पढ़े लिखे इंसान है, अच्छे आदमी है, उनसे तवक्को तो यही है कि वो अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल में लाने के लिए जो कुछ वो कर सकेंगे उनसे तवक्को की जानी चाहिए, क्योंकि कायम अली शाह साहब जो है वो सुनते भी कम थे, समझते भी कम थे और बोलते भी कम थे, लेकिन जब भी बोलते थे तो गलत बोल देते थे। तो अब बेहतर है कि मुराद अली शाह साहब के आने से शायद अमन की मुरादें बढ़ाए। बट डॉक्टर साहब आपको लगता है मुराद अली शाह साहब को फैसले लेने की इजाजत हासिल होगी? नहीं नहीं, खैर वो तो कायम अली शाह साहब को भी नहीं थी, वो भी नहीं, उनको भी नहीं होगी, नहीं उनको भी नहीं थी तो इनको भी नहीं होगी, लेकिन ये एटलीस्ट ये है कि ये डिबेट कर सकेंगे, यस मैन भी होंगे और होना चाहिए। देखिए अपनी पार्टी की क्यादत का यस मैन होना एक कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अमन अमान के मामले में यस मैन नहीं होना चाहिए, कहीं थोड़ा सा इख्तलाफ रखना चाहिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज को खत्म कराने के लिए उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो यहाँ यस मैन नहीं होना चाहिए, मैं ऐसे यस मैन को यस मैन नहीं समझता बल्कि मैस मैन समझता हूँ, वो मैस फैलाता है, तो ऐसे आदमी को यस नहीं करना चाहिए। जहां पर भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हो, वो किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो, चाहे एमकेएम हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे एमकेएम हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, दो बार आपसे कह रहा हूं, उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनको बिहाइंड द बार करना चाहिए। सर सिंध में जो ये वीक गवर्नेंस या एक मेस नजर आता है, इसका जिम्मेदार कौन, किसको समझते हैं? इसका जिम्मेदार है गवर्नर सिंध, इसलिए कि देखिए गवर्नर सिंध इसलिए जिम्मेदार है, इसकी बहुत बड़ी वजह है, बड़ी वजह यह है कि अगर मैं अब इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर एमकेएम के अंदर कुछ एलिमेंट्स एमकेएम के अंदर, क्योंकि जाहिर है पूरी एमकेएम बुरी नहीं, कोई भी चीज पूरी बुरी नहीं होती, कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, तो एमकेएम के अंदर कुछ एलिमेंट्स अगर मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुबैना मुजरिमाना कार्रवाई में मुलविस हैं, तो ये एक जमाने में पुल हुआ करता था, एक ब्रिज होता था जिसका नाम था इशरतुल इबाद, तो वो ब्रिज जो है वो उन इदारों से भी रابطे में रहता था और इधर भी रابطे में रहता था, और इस दौरान गुफ्तगू के जरिए या तो ये अमल रुकता था या फिर उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता था और फिर उनका ट्रायल होता था। अब ये ब्रिज टूट गया है, जब ब्रिज टूटता है तो फिर आपको मालूम है कि जब गलत फहमियां पैदा होती हैं तो फिर वो कुछ भी सुनाई देता है जो कहा नहीं गया हो, तो गलत फहमियों के दौरान जब रابطे टूट जाते हैं तो फिर जाब्ते भी खत्म हो जाते हैं, जब जाब्ते खत्म हो जाते हैं तो फिर रास्ते मस्तूत हो जाते हैं, तो इसी तरह जब रابطे टूट गए, रास्ते मजबूत हो गए, जाब्ते खत्म हो गए, तो अब कोई वास्ते भी नहीं रहे हैं, तो जब वास्ते भी नहीं रहते तो फिर इंसान आजाद हो जाते हैं, उस आजादी के अंदर कार्रवाइयां मुख्तलिफ किस्म की होती हैं जो पता नहीं किसने की होती हैं, लिहाजा जरूरी है कि एक ब्रिज बने, वो ब्रिज बनने के बाद
کمیونیکیشن شروع ہو. کمیونیکیشن شروع ہوگی تو اپنے اندر سے برے لوگوں کو نکالا جائے گا, ایکسیپٹ کی جائیں گی باتیں بھی جو غلط کی گئی ہیں یا جو ہوئی ہیں. تو چونکہ اب برج نہیں ہے اور وہ اپنی گورنری میں مزے لے رہے ہیں اور اپنا ٹائم گزار رہے ہیں اور وہ جی رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے, تو ایسے میں کیسے امن پیدا ہوگا مجھے بتائیں, جب ایک بڑی جماعت کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے کہ جس سے بات کی جائے, جس کی میں 52 سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی کے اندر, 25 سیٹیں قومی اسمبلی میں, ان سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. تو مجھے بتائیے کیسے مسئلہ حل ہوتا ہے. مصطفی کمال صاحب کی جو یہ نئی سیاسی جماعت ہے, کیا اس جماعت کی وجہ سے کراچی میں متحدہ کے لیے حالات مشکل ہوں گے؟ نہیں, مجھے تو جو میری اطلاعات کے مطابق تو جو پی ایس پی کمپنی ہے وہ تو اپنے کاپی رائٹس کے تحت اور ٹریڈ مارک کے تحت ان پہ مقدمہ کرنے والی ہے کہ پی ایس پی تو ہمارا نام تھا, ہم پی ایس پی 1, پی ایس پی 2, پی ایس پی 3 ہم نے لانچ کیا تھا, ہم شاید پی ایس پی 4 اور 5 کی طرف جا رہے تھے. تو ان کی تو آگے مشکلات ابھی پی ایس پی نام کی وجہ سے ہو رہی ہیں, کیونکہ پی ایس پی ایک بہت بڑی ادارہ ہے, کمپنی ہے, بچوں کے لیے وہ بناتا ہے چیزیں, کھلونے, ایکس باکس بھی وہ لوگ کرتے ہیں, پی ایس پی بھی ان کا ہے. تو پہلے تو ان کے نام پر اعتراض ہوگا, یہ کیا کریں گے, تو ابھی تو اس میں ہی رہ جائیں گے. اور پھر سب سے بڑا ظلم ان کے ساتھ ہی ہوگا, ایک ہی کارکن ان کا تھا, وہ بھی جیل میں بند ہے, وہ بھی اسپتال والی جیل میں, کارکن بھی نہیں ان کے پاس, تو بےچارے بہت برے حالات میں ہیں. بس آپ کو نہیں لگتا کراچی کے لوگ مصطفی کمال صاحب کو اور وہ جو میئر کی حیثیت سے انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کرائی کراچی میں اس کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے, مصطفیٰ کمال صاحب نام کے شخص کا یہ بڑا برا دور ہے, یہ سال جو ہے یہ ترکی میں بھی ناکام ہو گئے, اس مرتبہ پھر مصطفیٰ کمال جو ہے, کبھی کسی زمانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے بٹ مصطفیٰ کمال ابھی ترکی میں بھی ناکام ہو گئے, تو یہ یہاں بھی ناکام ہو جائیں گے, کیونکہ یہ مصطفیٰ کمال کا دور نہیں ہے, یہ دور ہے عقل و جمال کا, یہ مصطفیٰ کمال کا نہیں ہے بلکہ عقل و جمال کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں پاناما کے معاملے پہ یہ جو ہمیں اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا دکھائی اب تک نہیں دے رہا ہے, یہ احتساب کا آغاز کس سے ہونا چاہیے اور کیوں نہیں ہو پا رہا پاکستان میں؟ احتساب کا آغاز ہونا چاہیے الزام لگانے والے سے, کیونکہ احتساب الزام لگانے والے ہیں عمران خان صاحب, تو ان کی پارٹی ہے اس میں جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب, جن کے باقاعدہ کمپنی ثابت ہو چکی ہیں, نواز شریف صاحب کے بچوں کی ثابت ہوئی ہیں, نواز شریف صاحب کی نہیں ہوئی ہیں. تو الزام جس نے لگایا ہے ان کی اپنی جماعت کے لوگوں کی کمپنی ثابت ہوئی ہیں, تو تحقیقات کا آغاز ان سے ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے احتساب. ڈاکٹر صاحب, لیکن آپ ہی جب سے یہ پاناما لیک سامنے آئی تھی تو آپ کیونکہ بڑے شوز پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کا تجزیہ بڑا اہم ہوتا ہے, تو آپ وہ گلی گلی میں شورے والی بات اور جی میں مکاروں اور ڈکیتوں اور لٹیروں کو آئینہ دکھانے آتا ہوں تو کہیں مصدق ملک صاحب یا کہیں طارق افضل صاحب یا کہیں دانیال عزیز صاحب کے ساتھ ذرا جھڑپ بھی آپ کی ہو جایا کرتی تھی یہ پروگرامز وغیرہ کے دوران, تو آپ کا تو ایک وہ سٹانس کلیئر نظر آتا تھا کہ آپ بھی اس فیور میں کہ بھائی وزیراعظم سے شروع ہونا چاہیے. ہاں, آپ ضرور فرما رہی ہیں, خیر دانیال صاحب نہیں, مصدق ملک صاحب سے میرا ہوا تھا, بالکل میں نے کہی یہ بات ہے, میں اپنی کسی بات سے منکر بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ویسے بھی اب میڈیا کا ایسا دور ہے. میں آپ مجھے وہ سٹانس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ نہیں, سٹانس میں تبدیلی نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں یہ بات کہہ رہا تھا, میں آپ دیکھیے گا بولے تاریخیں نکال لیجیے گا پلیز, جب میں یہ بات کہہ رہا تھا اس وقت جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کی کمپنیز میرے سامنے نہیں آئی تھیں, یہ بعد میں آئی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح, یہ سب بعد میں پتہ چلا ہے کہ جہانگیر صاحب کی بھی کمپنی ہے, علیم خان صاحب کی بھی ہے, کچھ اور آف شور کمپنیز بھی آئیں, کیونکہ ایک لسٹ بعد میں آئی تھی اگر یاد ہو آپ کو, کہ دوسری قسط جو چھپی تھی. ہاں, تو میں یہ پہلے بول رہا تھا اس وقت, اب جب میں نے یہ دوسری دیکھی تو میں نے کہا یہ تو سب غلط, ہم کہہ رہے ہیں نواز شریف آفس بیئرر تو وزیر اعظم ہے نا. ہاں, تو ان کو کرنا چاہیے نا, ان کو مطلب ان کو یہ کہنا چاہیے, دیکھیے میں, ہاں, وزیر اعظم کی فیملی سے نہیں ہونا چاہیے, خاندان سے, مطلب بالکل انہیں اس طرح ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن اس طرح سے ہو کہ جب ٹی او آرز بنائے اس پہ سب اتفاق کریں, اور چاہے آپ اس میں پھر خود طے کر لیں کہ وزیر اعظم کی فیملی پہلے ہو یا سیاست دان پہلے ہو, لیکن چونکہ ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سیاست دان برے ہوتے ہیں, سیاست دانوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, ان کو امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے, تو حسین نواز شریف اور حسن نواز شریف تو سیاست دان نہیں ہیں, ہاں مریم ضرور ہیں, تو آپ مریم صاحبہ کو لے کر, جہانگیر ترین صاحب کو لے کر, یا آپ علیم خان صاحب کو لے کر یہاں سے آغاز کر سکتے ہیں, بالکل کرنا چاہیے, لیکن چونکہ نواز شریف صاحب پرسنلی ان کا کچھ نہیں ہے, ہاں انہیں ضرور اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے اور تحقیقات ہونے چاہیے. آخر میں بریف سے میں ایک جاننا چاہوں گی ایک پوائنٹ آف ویو, یہ جو 7 اگست سے ایک حکومت مخالف تحریک کا اعلان اور ہفتے وار وہ تحریک شروع کی جائے گی, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک فیلڈ اٹیمپٹ ہی نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا یا ایک سکسیسفل رہے گی, حکومت پہ پریشر کریٹ کر سکیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ جو بھی اگست کو استعمال کرتا ہے میں اسے اچھی نگاہ سے دیکھتا, کیونکہ اگست ہی تو ایک مہینہ ہے ہمارا جس میں 14 اگست آتی ہے, اور جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا تو پچھلی مرتبہ بھی 14 اگست خراب ہوئی تھی,
اور یہ اس طرح کی دھرنے شرنے یہ تمام چیزیں, اسے ہم ملی نغمے نہیں گا سکے, ہم درس نہیں دے سکے, ہم تاریخ نہیں بتا سکے اپنے بچوں کو پاکستان کیسے بنا تھا. یہ دن ہونا چاہیے میڈیا کے لیے کہ وہ پاکستان کی تاریخ نئی نسل کو بتائے کہ پاکستان کیسے بنائے, کتنی قربانیوں کے بعد بنائے. ایک بار دوبارہ پھر یہ دھرنا 7 اگست سے شروع ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس میں کوئی دم نظر نہیں آتا. ہاں یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ضرور ہوگا, کچھ تھوڑا اچھل کود ہوگی, گانے وانے گائے جائیں گے, شاید ہم خٹک صاحب کے خٹک ڈانس بھی دیکھ سکیں, شاید ہم عمران خان صاحب کی جذباتی تقاریر بھی سن سکیں, اور ہو سکتا ہے ہماری تیسری بھابھی بھی آ جائیں اس دھرنے کے دوران. تو یہ سب کچھ تو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا سر. اور چونکہ حالات بھی اس طرح کے کچھ بنے ہوئے ہیں ملک میں, تو انٹرٹینمنٹ پہ بہت زیادہ فوکس ہے سب کا ہی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حامد لیاقت صاحب فار جوائننگ اس اینڈ شیئرنگ یور ویوز ود اس. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور آپ نے ڈاکٹر حامد لیاقت حسین صاحب کی گفتگو میری کوئی بات ہے آپ کو کہتے ہیں کہ لائف میں بہت معذرت چاہتا ہوں, اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. سر آئی اپولوجائز اس ویل, آپ نے مجھے ون سائیڈڈ کہا, بٹ میں بالکل میں آپ سے ایک میرا کیونکہ ایک فرض ہے اور ایک ریسپانسبلٹی ہے کہ میں آپ سے سوال کروں, اور میں نے وہی معذرت چاہتا ہوں اگر میری کوئی بات آپ کو. نو ایٹ آل سر, تھینک یو سو مچ آپ نے وقت نکالا. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف گامزن ہے. عامر لیاقت صاحب کہتے ہیں ان کی لائف انڈر تھریٹ ہے, اور ان کی گاڑی بلٹ پروف اٹھا لی گئی, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جی نہیں نوٹس نہیں لیا اس چیز کا کہ آپ کو تھریٹس ہیں اور آپ کو اس طرح سے یہ ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں آپ کے گاڑی کی نمبر پلیٹ کی. نہیں جی کسی نے نوٹس نہیں لیا ہے, اور مجھے افسوس بھی ہے, دکھ بھی ہے, لیکن ایک اطمینان بھی ہے کہ چونکہ ہم مردہ پرست قوم ہے تو جس دن میں مارا جاؤں گا اس کے بعد میرا جنازہ بہت بڑا ہوگا, اس میں سب لوگ ہوں گے, وفاق اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ڈاکٹر صاحب. اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ جی ہم ہمارا یہ سرمایہ تھے, ہمارا یہ اثاثہ تھے ملک کا, یہ ہمارے درمیان نہیں رہے, ان کے قاتلوں کو چھوڑا نہیں جائے گا, کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا, کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا جائے گا, کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا, آئندہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. سارے اسٹیٹمنٹس آپ کے یہاں ٹکر کی صورت میں بھی چلیں گے, تمام اور چینلس میں بھی چلیں گے. مجھے معلوم ہے کہ یہ سب میرے جنازے میں شریک ہوں گے, لیکن مجھے مار دیا جائے گا یہ بھی مجھے پتا ہے. اور میں آپ کے چینل پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ پر رہے کہ یہ مجھے بہت جلد مجھ پہ اٹیک ہوگا اور مجھے مارنے کی کوشش کی جائے گی. اور ظاہر ہے کہ آپ جب دکھا دی گئی ہے گاڑی اور سب کچھ بتا دیا گیا ہے, تو اب تو اور بھی ویسے بھی میں ایک سافٹ ایک شکار ہوں کسی لیے بھی. سو سر ڈیلیبریٹلی آپ کے ساتھ یہ آپ کے خلاف یہ مووز لیے جا رہے ہیں, آپ خود سوچئے نا, کوئی کسی آپ نے کبھی اپنی زندگی میں اس عرصے میں سنا ہے آپ نے کہ کسی کی گاڑی کی ویڈیو بنا کے چلا دی گئی ہو دکھائی گئی ہو؟ ٹھیک ہے, ایسا کیا تھا اس گاڑی میں, یہ کیا تھا؟ میں اللہ پروٹیکٹ یو آلویز ڈاکٹر صاحب. اور میں اسی کے ساتھ ہی میں سندھ کے حالات کی طرف آنا چاہوں گی جو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. کراچی کے حالات, کراچی میں امن کا قیام اور جو وہ قوتیں ایک دم سے ایکٹیو ہوئی ہیں اور سیکیورٹی اداروں کو چیلنج کرنا جس طرح سے شروع کیا گیا ہے, انہی حالات میں سندھ میں نئے وزیر اعلیٰ کو منتخب کرنا, مراد علی شاہ صاحب آئے ہیں, آپ کو یہ ڈیسیشن کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو یہ مراد علی شاہ صاحب ایک بہت اچھے انسان ہیں, میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں, ان کے والد عبداللہ شاہ صاحب سندھ کے وزیر اعلیٰ رہے, اور وہ کہ اس زمانے میں بہت اٹراسٹیز ہوئیں مہاجروں پر اور ایم کیو ایم پر سندھ میں, لیکن اس کے بعد جب مفاہمت شروع ہوئی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, اس لیے میں مراد علی شاہ صاحب کی اور بھی زیادہ عزت کرتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب تشریف لائے تھے, میں ایم کیو ایم میں تھا, 90 تشریف لائے تھے, اور اس کے بعد یا شاید میں ایم کیو ایم چھوڑ چکا تھا مجھے یاد نہیں ہے, بٹ وہ اس وقت آئے تھے اور انہوں نے جا کر شہدا قبرستان میں جو عارف حسین اور ناصر حسین الطاف بھائی کے جو بھائی اور بھتیجے تھے ان کی قبر پہ فاتح خوانی کی, تیسری طرح پھر ایم کیو ایم کا وقت تھا اور وہ عبداللہ شاہ صاحب کی قبر پہ گیا تھا اس نے فاتح خوانی کی, تو ایک بہت اچھی بات تھی کہ ہم سب نے پرانی ماضی کی چیزوں کو بلایا. تو ایک بہت پڑھے لکھے انسان ہیں, اچھے آدمی ہیں, ان سے توقع تو یہی ہے کہ وہ امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے جو کچھ وہ کر سکیں گے ان سے توقع کی جانی چاہیے, کیونکہ قائم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سنتے بھی کم تھے, سمجھتے بھی کم تھے, اور بولتے بھی کم تھے, لیکن جب بھی بولتے تھے تو غلط بول دیتے تھے. تو اب بہتر ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کے آنے سے شاید امن کی مرادیں بنائیں. بٹ ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے مراد علی شاہ صاحب کو فیصلے لینے کی اجازت حاصل ہوگی؟ نہیں نہیں, خیر وہ تو قائم علی شاہ صاحب کو بھی نہیں تھی, وہ بھی نہیں, ان کو بھی نہیں تھی, نہیں ان کو بھی نہیں تھی تو ان کو بھی نہیں ہوگی, لیکن یہ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ کر سکیں گے, یس مین بھی ہوں گے اور ہونا چاہیے. دیکھیں اپنی پارٹی قیادت کا یس مین ہونا ایک کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن امن و امان کے معاملے میں یس مین نہیں ہونا چاہیے, کہیں تھوڑا سا اختلاف رکھنا چاہیے, کرمنل ایکٹیویٹیز کو ختم کرانے کے لیے انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, تو یہاں یس مین نہیں ہونا چاہیے. میں ایسے یس مین کو یس مین نہیں سمجھتا بلکہ میس مین سمجھتا ہوں, وہ میس پھیلاتا ہے, تو ایسے آدمی کو یس نہیں کرنا چاہیے. جہاں پر بھی کرمنل ایلیمنٹس ہوں, وہ کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو, چاہے ایم کیو ایم ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے ایم کیو ایم ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, میں دو بار آپ سے کہہ رہا ہوں, ان کو پکڑا جانا چاہیے, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, ان کو بیہائنڈ دی بار کرنا چاہیے. سر سندھ میں جو یہ ویک گورننس یا ایک میس نظر آتا ہے, اس کا ذمہ دار کون, کس کو سمجھتا ہے؟ اس کا ذمہ دار ہے گورنر سندھ. اس لیے کہ دیکھیے گورنر سندھ اس لیے ذمہ دار ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے.
بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر میں اب اس کو آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, اگر ایم کیو ایم کے اندر کچھ ایلیمنٹس ایم کیو ایم کے اندر, کیونکہ ظاہر ہے پوری ایم کیو ایم بری, کوئی بھی چیز پوری بری نہیں ہوتی, کچھ لوگ برے ہو سکتے ہیں, تو ایم کیو ایم کے اندر کچھ ایلیمنٹس اگر مجرمانہ کارروائیوں میں, مبینہ مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں, تو یہ ایک زمانے میں پل ہوا کرتا تھا, ایک برج ہوتا تھا جس کا نام تھا عشرت العباد, تو وہ 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 برج جو ہے وہ ان اداروں سے بھی رابطے میں رہتا تھا اور ادھر بھی رابطے میں رہتا تھا, اور اس دوران گفتگو کے ذریعے یا تو یہ عمل رکتا تھا یا پھر ان لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا اور پھر ان کا ٹرائل ہوتا تھا. اب یہ برج ٹوٹ گیا ہے, جب برج ٹوٹتا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ جب غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں تو پھر وہ کچھ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا نہیں گیا ہو, تو غلط فہمیوں کے دوران جب رابطے ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر ضابطے بھی ختم ہو جاتے ہیں, جب ضابطے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر راستے مسدود ہو جاتے ہیں, تو اسی طرح جب رابطے ٹوٹ گئے, راستے مسدود ہو گئے, ضابطے ختم ہو گئے, تو اب کوئی واسطے بھی نہیں رہے ہیں, تو جب واسطے بھی نہیں رہتے تو پھر انسان آزاد ہو جاتے ہیں, اس آزادی کے اندر کاروائیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں جو پتہ نہیں کس نے کی ہوتی ہیں, لہٰذا ضروری ہے کہ ایک برج بنے, وہ برج بننے کے بعد کمیونیکیشن شروع ہو, کمیونیکیشن شروع ہوگی تو اپنے اندر سے برے لوگوں کو نکالا جائے گا, ایکسپٹ کی جائیں گی باتیں بھی جو غلط کی گئی ہیں یا جو ہوئی ہیں, تو چونکہ اب برج نہیں ہے اور وہ اپنی گورنری میں مزے لے رہے ہیں اور اپنا ٹائم گزار رہے ہیں اور وہ جی رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے, تو ایسے میں کیسے امن پیدا ہوگا مجھے بتائیں, جب ایک بڑی جماعت کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے جس سے بات کی جائے, جس کی میں 52 سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی کے اندر, 25 سیٹیں قومی اسمبلی میں, ان سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, تو مجھے بتائیے کیسے مسئلہ حل ہوگا. مصطفی کمال صاحب کی جو یہ نئی سیاسی جماعت ہے, کیا اس جماعت کی وجہ سے کراچی میں متحدہ کے لیے حالات مشکل ہوں گے؟ نہیں, مجھے تو جو میری اطلاع کے مطابق تو جو پی ایس پی کمپنی ہے وہ تو اپنے کاپی رائٹس کے تحت اور ٹریڈ مارک کے تحت ان پہ مقدمہ کرنے والی ہے, کہ پی ایس پی تو ہمارا نام تھا, ہم پی ایس پی 1, پی ایس پی 2, پی ایس پی 3 ہم نے لانچ کیا تھا, ہم شاید پی ایس پی 4 اور 5 کی طرف جا رہے تھے, تو ان کی تو آگے مشکلات ابھی پی ایس پی نام کی وجہ سے ہو رہی ہیں, کیونکہ پی ایس پی ایک بہت بڑی ادارہ ہے, کمپنی ہے, بچوں کے لیے وہ بناتا ہے چیزیں, کھلونے, ایکس باکس بھی وہ لوگ کرتے ہیں, پی ایس پی بھی ان کا ہے, تو پہلے تو ان کے نام پر اعتراض ہوگا, یہ کیا کریں گے, تو ابھی تو اس میں ہی رہ جائیں گے, اور پھر سب سے بڑا ظلم ان کے ساتھ ہی ہوگا, ایک ہی کارکن ان کا تھا, وہ بھی جیل میں بند ہے, وہ بھی اسپتال والی جیل میں, کارکن بھی نہیں ان کے پاس, تو بےچارے بہت برے حالات میں ہیں. بھائی آپ کو نہیں لگتا کراچی کے لوگ مصطفی کمال صاحب کو اور وہ جو میئر کی ایسے سے انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کرائی کراچی میں اس کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے, مصطفیٰ کمال صاحب نام کے شخص کا یہ بڑا برا دور ہے, یہ سال جو ہے یہ ترکی میں بھی ناکام ہو گئے, اس مرتبہ پھر مصطفیٰ کمال جو ہے, کبھی کسی زمانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے بٹ مصطفیٰ کمال ابھی ترکی میں بھی ناکام ہو گئے, تو یہ یہاں پہ بھی ناکام ہو جائیں گے, کیونکہ یہ مصطفیٰ کمال کا دور نہیں ہے, یہ دور ہے عقل و جمال کا, یہ مصطفیٰ کمال کا نہیں ہے بلکہ عقل و جمال. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں پاناما کے معاملے پہ یہ جو ہمیں اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا دکھائی اب تک نہیں دے رہے, یہ احتساب کا آغاز کس سے ہونا چاہیے اور کیوں نہیں ہو پا رہا پاکستان میں؟ احتساب کا آغاز ہونا چاہیے الزام لگانے والے سے, کیونکہ احتساب الزام لگانے والے ہیں عمران خان صاحب, تو ان کی پارٹی ہے اس میں جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب, جن کے باقاعدہ کمپنی ثابت ہو چکی ہیں, نواز شریف صاحب کے بچوں کی ثابت ہوئی ہیں, نواز شریف صاحب کی نہیں ہوئی ہیں, تو الزام جس سے لگایا ہے ان کی اپنی جماعت کے لوگوں کی کمپنی ثابت ہوئی ہیں, تو تحقیقات کا آغاز ان سے ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے احتساب. ڈاکٹر صاحب, لیکن آپ ہی جب سے یہ پاناما لیگ سامنے آئی تھی تو آپ کیونکہ بڑے شوز پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کا تجزیہ بڑا اہم ہوتا ہے, تو آپ وہ گلی گلی میں شور ہے والی بات اور جی میں مکاروں اور ڈکیتوں اور لٹیروں کو آئینہ دکھانے آتا ہوں تو کہیں مصدق ملک صاحب یا کہیں طارق افضل صاحب یا کہیں دانیال عزیز صاحب کے ساتھ ذرا جھڑپ بھی آپ کی ہو جایا کرتی تھی یہ پروگرامز وغیرہ کے دوران, تو آپ کا تو ایک وہ سٹانس کلیئر نظر آتا تھا کہ آپ بھی اس فیور میں کہ بھائی وزیر اعظم سے شروع ہونا چاہیے. آپ درست فرما رہی ہیں, خیر دانیال صاحب نہیں, مصدق ملک صاحب سے میرا ہوا تھا, بالکل میں نے کہی یہ بات ہے, میں اپنی کسی بات سے منکر بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ویسے بھی اب میڈیا کا ایسا دور ہے, میں آپ مجھے تو سر یہ سٹانس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ نہیں, سٹانس میں تبدیلی نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں یہ بات کہہ رہا تھا, میں آپ دیکھیے گا تاریخ نکال لیجیے گا پلیز, جب میں یہ بات کہہ رہا تھا اس وقت تک جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کی کمپنیز میرے سامنے نہیں آئی تھی, یہ بعد میں آئی ہیں, اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح, یہ سب بعد میں پتہ چلا کہ جہانگیر صاحب کی بھی کمپنی ہے, علیم خان صاحب کی بھی ہے, کچھ اور آف شور کمپنیز بھی آئی ہیں, ایک لسٹ بعد میں آئی تھی اگر یاد ہو آپ کو, کہ دوسری قسط جو چھپی تھی, تو میں یہ پہلے بول رہا تھا اس وقت, اب جب میں نے دوسری دیکھی تو میں نے کہا یہ تو سب غلط, ہم کہہ رہے ہیں آفس بیئرر تو وزیر اعظم ہے نا,
हाँ तो उनको करना चाहिए ना, उनको मतलब उनको ये कहना चाहिए, देखिए मैं वजीर आजम की फैमिली से नहीं होना चाहिए, खानदान से, मतलब बिल्कुल इन्हें इस तरह होना चाहिए, यूं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो इस तरह से हो कि जब टी ओ आर बनाए उस पर सब इत्तेफाक करें, और चाहे आप उसमें फिर खुद तय कर लें कि वजीर आजम की फैमिली पहले हो या सियासतदान पहले हो, लेकिन चूंकि हम ये बार बार कह रहे हैं कि सियासतदान बुरे होते हैं, सियासतदानों को ये काम नहीं करना चाहिए, उनको अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए, तो हुसैन नवाज शरीफ और हसन नवाज शरीफ तो सियासतदान नहीं है, हाँ मरियम जरूर है, तो आप मरियम साहिबा को लेकर, जहांगीर दरी साहब को लेकर, या आप अलीम खान साहब को लेकर यहां से आगाज कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन चूंकि नवाज शरीफ साहब पर्सनली उनका कुछ नहीं है, हाँ जरूर इसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए और तहकीकात होने चाहिए। आखिर में ब्रीफ से मैं एक जानना चाहूंगी एक पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो 7 अगस्त से एक हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान और हफ्तेवार वो तहरीक शुरू की जाएगी, उसको किस तरह से देख रहे हैं, एक फेल्ड अटेम्प्ट ही नजर आ रहा है होता हुआ या एक सक्सेसफुल रहेगी, हुकूमत पे प्रेशर क्रिएट कर सकेंगे? देखिए पहली बात तो ये कि जो भी अगस्त को इस्तेमाल करता है मैं उसे अच्छी निगाह से देखता, क्योंकि अगस्त ही तो एक महीना है हमारा जिसमें 14 अगस्त आती है और जब पाकिस्तान का क्याम अमल में आया था, तो पिछली मरतबा भी 14 अगस्त खराब हुई थी, और ये इस तरह के धरने शरने ये तमाम चीज़ें उसे हम मिली नगमे नहीं गा सके, हम दर्श नहीं दे सके, हम तारीख नहीं बता सके अपने बच्चों को पाकिस्तान कैसे बना था, ये दिन होना चाहिए मीडिया के लिए कि वो पाकिस्तान की तारीख नई नस्ल को बताए कि पाकिस्तान कैसे बनाए, कितनी कुर्बानियों के बाद बनाए। एक बार फिर ये धरना 7 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो पहली बात तो ये कि मुझे इसमें कोई दम नजर नहीं आता, हाँ ये एक एंटरटेनमेंट का जरिया जरूर होगा, कुछ थोड़ा उछल कूद होगी, गाने वाने गाए जाएंगे, शायद हम खटक साहब के खटक डांस भी देख सकें, शायद हम इमरान खान साहब की जज्बाती तकारी भी सुने, हो सकता है हमारी तीसरी भाभी भी आ जाए इस धरने के दौरान, तो ये सब कुछ तो जरूर हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। सर और चूंकि हालात भी इस तरह के कुछ बने हुए हैं मुल्क में, तो एंटरटेनमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस है सबका ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर आमिर लियाकत साहब फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर व्यूज विद अस, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और आपने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की गुफ्तगू मेरी मेरी कोई बात है आपको बुरी लगी तो मैं बहुत माजरत चाहता हूं, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी तो मैं माजरत चाहता हूं। सर आई अपोलोजाइज एज वेल, आपने मुझे वन साइडेड कहा, बट मैं बिल्कुल मैं आपसे एक मेरा क्योंकि एक फर्ज है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपसे सवाल करूँ, और मैंने वही माजरत चाहता हूँ अगर मेरी कोई बात आपको नॉट एट ऑल। सर थैंक यू सो मच आपने वक्त निकाला, और नाजीन इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ गामजन है।